पास तुम्हारा भाई एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, ये इंडिया गेट है यार। मैंने बहुत बार भी इंडिया गेट पहले दिखा चुका हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार फिर से पर्सनली आप लोगों को नया इंडिया गेट दिखाया जाए, इसलिए मैं फाइनली न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आपको दिखाऊँगा आज इंडिया गेट, जो कि हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट गेट है। वैसे बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमेशा पब्लिक आती है। आज मैं यही चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें किस तरह देख सकते हैं और दिल्ली का इंडिया गेट कहाँ पे पड़ता है, आप लोग कैसे कैसे और किस किस तरीके से आ सकते हैं। और यहाँ पे 24 घंटे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है और बहुत सारे लोग हमेशा यहाँ पे घूमने आते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। आज दिखाते हैं आपको दिल्ली का इंडिया गेट। आओ मेरे साथ घूमते हैं इंडिया गेट। आओ दोस्तों, अब हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। यहां आप लोग मेट्रो से या बस से या ऑटो से आराम से पहुंच सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय में पड़ता है इंडिया गेट। अब देखिए यहां से, क्योंकि एक साल बाद खुला है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई नई बन चुकी हैं, वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसलिए मेरे साथ घूमो इंडिया गेट। वैसे दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इंडिया गेट में लगाई गई हैं, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग बहुत मज़े उठाएंगे। तो इंडिया गेट पहुंच गए हैं, अभी दिखाते हैं पूरा इंडिया गेट आप लोगों को, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों यहां पे कैमरा वैमरा सब कुछ अलाउ है, बस पानी को टच करना अलाउ नहीं है। आप लोग आ सकते हैं, कैमरे से फुल फोटो शूट या वीडियो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग बस एक ही रूल है, अंदर आप लोग कुछ खा नहीं सकते हैं इंडिया गेट के, इसलिए आप लोग बाहरी से खा के आना। दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल्ली में यहीं पे क्राउड होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं पे लगता है और सबसे ज़्यादा व्यू भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गेट भी है और साथ में केंद्रीय सचिवालय और संसद भवन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग शाम को इंडिया गेट आते हैं तो फुल लाइटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे अभी आप लोग पूरा इंडिया गेट मेरे साथ घूमोगे, एक एक चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगे, इसलिए देखते रहें और प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो दोस्तों जब तक। और मैं तुम्हारे लिए इतनी गर्मी में वीडियो लेके आता हूँ, प्लीज़ दोस्तों एक लाइक बनता है। अब देखिए यहीं से इंडिया गेट हमें देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों मैं बहुत बार वीडियो यहाँ की बना चुका हूँ, मगर आज पर्सनली लेके आया हूँ यहाँ की वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पूरा इंडिया गेट तो पता होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में तो ही है। और यहाँ पे चारों तरफ आप लोगों को पुलिस देखने को मिल जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे गार्डन भी यहाँ बन चुके हैं। देखिए दोस्तों और फुल मौसम एकदम गर्म हो रहा है और इंडिया गेट हमें सामने से ही दिख रहा है। और यहाँ पे आज 24 घंटे कोई ना कोई हमेशा देखने को मिलता ही है। पता नहीं कितने लोग इंडिया गेट देखने आते हैं,
दूर दूर से, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और देखें कितने अच्छे अच्छे यहाँ तालाब बनाए गए हैं। और यहाँ पे बोटिंग भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि कुछ रुपए देकर आप लोग बोटिंग कर सकते हैं और बाहर ही आराम से खा सकते हैं, अंदर कुछ भी नहीं खा सकते और कैमरा फुल चला सकते हो। बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों गर्मी, मगर जब भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को पूरा इंडिया गेट दिखा के जाएंगे लास्ट तक, जिससे कि आप लोगों को इंडिया गेट घर बैठे बैठे ही पूरा देखने को मिल पाए, आराम से तसल्ली से फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। वैसे आप लोगों ने शॉर्टकट ही इंडिया गेट हमारे चैनल पे वीडियो देखी होगी, आज पूरा इंडिया गेट देखोगे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी जल्दी चलते हैं इंडिया गेट। वैसे दोस्तों मैं तो यहाँ का थोड़ा सा लोकल हूँ, यहाँ पे जब भी मन करता है आ जाता हूँ घूमने। वैसे ही बहुत ही अच्छी जगह, अगर आप लोग दूर दूर जगह रहते हैं तो प्लीज़ एक बार इंडिया गेट ज़रूर घूमने आए, बहुत ही शानदार जगह है। अब देखिए दोस्तों हम इंडिया गेट के अंदर जा रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक जा रही है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर मुझे तो लगता है हमेशा यहाँ पर पब्लिक आती थी, क्योंकि जब भी ये इंडिया गेट बंद था तो बाहर लोग बाग आते थे, फ़ोटो वगैरह खींच के जाते थे। अब वैसे कैमरों वालों का बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है, यहाँ पे प्रैंक भी बहुत ही अच्छे अच्छे शूट कर सकते हो। और देखिए हम इंडिया गेट के अंदर पहुँच चुके हैं और पब्लिक फुल चारों तरफ से भरी हुई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को एक सिनेमैटिक शॉट। वैसे दोस्तों यहाँ पे मुझे फ़ोटोग्राफी करते समय बहुत ही अच्छा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे जैसे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं एक फ़ोटो के यहाँ पे 30 रुपये ये लोग लेते हैं। वैसे सही है यार, यहाँ पे आते हैं अगर एक फ़ोटो आप लोगों को याद के तौर पर निकाल के देते हैं 30 रुपये लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, 30 रुपये में आप लोग यहाँ पर आसानी से DSLR से। और देखिए दोस्तों इंडिया गेट के अंदर पहले अमरदीप ज्योति जलती थी, अब वो जाके एकदम आगे कर दी गई है, अब इंडिया गेट को सिंगल कर दिया गया है। वैसे नीचे एक पुलिस गार्ड खड़े हैं, वैसे अभी भी आप लोग आगे से इंडिया गेट की तरफ नहीं जा सकते, बगल में एक गेट है वहाँ से आराम से फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, जो कि आज मैंने भी इंडिया गेट को फर्स्ट टाइम छुआ भी, टच भी किया। अभी फिर से भी जाते हैं, फिर से टच करते हैं, एक बार देखते हैं इंडिया गेट को, इंडिया गेट किसने बनवाया, पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरा डिटेल निकाल सकते हैं इंडिया गेट का, इसलिए घूमते रहे मेरे साथ पूरा इंडिया गेट। अब दोस्तों आप लोगों ने इंडिया गेट तो देख लिया, अब इंडिया गेट के आगे चलते हैं, जो कि इंडिया गेट के अंदर नया बना है और इंडिया गेट के अंदर जो कि नया स्थापित किया गया है। यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे वाटर छोटे छोटे तालाब और उसके ऊपर झरना, अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर दिया गया है, जो कि इंडिया गेट को बहुत ही सूट कर रहा है, इसलिए ये वीडियो हमारे कैनन से सूट हो रही है। वैसे आई होप आप लोगों को क्वालिटी मेरे कैनन कैमरे की अच्छी लग रही हो। वैसे इंडिया गेट की यार बहुत ही अच्छी अच्छी यादें हैं, अगर आप लोग
ब्लॉगिंग या मेरी म्यूजिक या कॉमेडी वीडियो देखते हो तो मेरी अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं पहले, इसलिए आप लोग ये बातें छोड़ो, हम चलते हैं सीधा आगे और देखते हैं आगे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना हिंदुस्तान का कुछ म्यूजिक है, अब थोड़ी देर इसका लीजिए इंजॉय। यहाँ दोस्तों आप लोग फोटो शूट करवा सकते हैं और इंडिया गेट को छू सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कितनी अच्छी मूर्ति लगाई गई है जो कि भीमराव अंबेडकर जी की है, बहुत ही अच्छा हमारे देश के लिए काम किया है और कितने अच्छी तरीके से उनका हमारे देश ने सम्मान किया है ये मूर्ति लगा के हिंदुस्तान के दिल्ली के अंदर। वैसे दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को एक ही क्लिक के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर पूरा इंडिया गेट घुमा दूं, क्योंकि इंडिया गेट बनने के बाद बहुत ही अच्छा हुआ है। आज आके देखा तो इंडिया गेट बहुत ही अच्छा बन चुका है। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन या बस पकड़ के या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से ऑटो बस या किसी भी थ्रू से आप लोग यहाँ इंडिया गेट पहुँच सकते हैं। इस जगह का नाम ही इंडिया गेट है, आप लोग कहीं भी अगर दिल्ली में आते हैं तो इंडिया गेट का नाम लेना, आप लोग इंडिया गेट पहुंच जाएंगे। इसलिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक, अभी बहुत खास खास सीन बाकी हैं। अभी और दिखाता हूं आप लोगों को इंडिया गेट, आओ चलें। जैसे दोस्तों हमारे देश में गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और जैसे इन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। दोस्तों वो व्यू के बाद वहाँ से सीधा मैं आ गया, क्योंकि आगे कैमरा अलाउ नहीं था वहाँ पे वीडियो बनाना, तो आगे आके मैं आप लोगों को ये सीन दिखा रहा हूँ। और हर जगह कैमरा अलाउ है, यहाँ पे भी अलाउ है, मगर आप लोग डीएसएलआर से नहीं बना सकते हो, इससे बना सकते हो और यहाँ पे पूरा व्यू देख सकते हो। यहाँ पे ब्लॉगिंग करना मना है। और देखिए कितने अच्छे अच्छे दोस्तों छोटे छोटे से फव्वारे यहाँ पे आते हुए, जो कि हमारे दिल को बहुत ही अच्छे लगते हो। अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े उठाओगे। अब दोस्तों नीचे चल के देखते हैं हमें नीचे और क्या नया नया देखने को मिलता है इंडिया गेट में। अगर आप लोग आते हो तो नया नया क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे इंडिया गेट में लगाया गया है और ये क्या इंडिया गेट अपडेट हुआ है, इसलिए आओ देखते हैं।
जैसे ही दोस्तों नीचे आए तो सबसे पहले आप लोगों को ये फोटो देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे देश ने के मतलब किससे फाइट की और कितने सन में फाइट की, यहाँ पे आप लोगों को देखें हमारे देश के पांचों चिन्ह यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अनगिनत आप लोगों को इस तरह की फ़ोटो देखने को मिलेंगी। और इस जगह देखिए कितने अच्छा सिनेमैटिक शॉट आ रहा है इंडिया गेट का। और देखिए यहाँ पे भी उनके बारे में सारी आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी पढ़ने के लिए। और देखिए एक तरफ कितना प्यारा प्यारा पानी चल रहा है जिससे कि, और देखिए कितना अच्छा जहाज के बारे में लिखा है हमारे देश में कब जहाज आया था, कैसे जहाज आया था और कैसे कैसे फाइट हुई थी। यहाँ पे देखिए किस तरह हमारे पानी के जहाज, और देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारे देश की सम्मान की चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों को फोटो के द्वारा दिखाया जाता है। दोस्तों बहुत प्यारा व्यू है और यहाँ एक तरफ पानी प्यारा सा बहता हुआ। अब दोस्तों आप लोगों ने नीचे का देख लिया, अब ऊपर का हम व्यू दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कितना अच्छा शॉट आ रहा है और हमारे तिरंगे भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमारे देश के लिए जितने भी सैनिकों ने कुर्बानी दी है उन सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और कितने लोगों ने यहाँ पे देखे हमारे देश के लिए जान दी है, इसलिए उनको एक बार दिल से आप लोग प्लीज सल्यूट करिए। यहाँ पे बहुत लोगों के नाम लिखा है, बहुत लोगों की फैमिली है ये मत समझिए कि यहाँ पे ओनली नाम लिखा है, इसके पीछे एक फैमिली है। इसलिए प्लीज़ इन लोगों की रिक्वेस्ट कीजिए और इन लोगों का सम्मान कीजिए, जिससे कि प्लीज़ अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ एक दिल से सल्यूट ज़रूर मारिए। और देखिए यहाँ के कुछ अच्छे से सीन। वंदे मातरम, खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। देखिए दोस्तों हमारे देश की शान, देश का सम्मान और देश की जान, तिरंगा सबसे ऊपर और सबसे प्यारा और हर सबसे न्यारा, कितना प्यारा, हर दिल में तिरंगा है मेरे दोस्त, देश हमारी जान है। और देखिए दोस्तों धीरे धीरे शाम हो रही है और कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे आप लोगों को व्यू देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप लोगों ने ये भी पूरा कंप्लीट देख लिया और यहाँ से अंडर पास से अब चलते हैं फिर इंडिया गेट की तरफ और देखते हैं इंडिया गेट, और फिर उसके बाद दिखाऊंगा आप लोगों को संसद भवन, जो कि यहाँ का सबसे हमारा देश का जान तो है ही है। और यहाँ पे सारे नेता आते हैं जो कि हमारे सबसे टॉप पर तो मोदी जी हैं। यहाँ पे दोस्तों प्यारे प्यारे आप लोगों को गार्डन देखने को मिल जाते हैं अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो, और यहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। जैसे इस तरह के आप लोगों को बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे गार्डन से। दोस्तों जब भी अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो हमेशा यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, पता नहीं क्यों, ये देश की जान तो है ही है। हम भी अब थोड़ी देर बैठते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को झरने के सीन। अगर दोस्तों आप लोग इंडिया गेट आते हैं तो एक से दो घंटे का टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप जब ही पूरा घूम पाओगे और समझ पाओगे कि इंडिया गेट पूरा है क्या। अगर आप लोग फैमिली के साथ आने वाले हैं तो सबसे बढ़िया आपके लिए यही प्लेस होने वाला है। इसलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। देखिए दोस्तों जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि ये ऐसा ही प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे शाम को ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप लोग आते हैं तो शाम को ही आएं, क्योंकि धूप भी कम होती है।
अगर दोस्तों यहाँ बाहर से खा के आना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, भूखे मर जाओगे, सही कह रहा हूँ। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट होता रहते हैं, जैसे डांस म्यूजिक वगैरह। यहाँ पे देखिए किस तरह के सेट लगाए जाते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो। यहाँ पे अगर शाम टाइम इस तरह के डीजे स्टेट लगाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे सिंगर आते हैं, डांसर आते हैं, और जो कि आप लोगों को मज़ा दिलाते हैं और खुश करते हैं। प्लीज़ आप लोग शाम बिताएं इंडिया गेट में एक बार। दोस्तों मन तो कर रहा है आप लोगों को बार बार यही सीन दिखाते रहूं, क्योंकि यार कितने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं, और क्या बोलूं मैं, इसलिए चुप बैठा हूं, और इससे अच्छे क्या सीन दिखाऊं। सच में दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली की जान शान सम्मान सब कुछ है, क्योंकि बहुत प्यारा है और बहुत लोग यहाँ पे, और चारों तरफ हमारी पुलिस हमारी रक्षा कर रही है। यहाँ पे जैसे पानी है, ये टच करना मना है। अगर यहाँ पे आप लोग बैठते हैं, जैसे बहन जी बैठ गई, तो उनको अभी उठा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ मना है बैठना और खड़े होना। यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो इन झरनों को और पानियों को। दोस्तों शाम के 6 या 5 बज चुके हैं, यहाँ पे सनसेट का व्यू हो चुका है। एक बार और इंडिया गेट देख लो, यहाँ से फिर चलते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं संसद भवन, जो कि दिल्ली की शान जान जान मान शान है। दोस्तों यहां से जाने के लिए हमें अंडरपास से जाना पड़ता है। यहां पे बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है, आप लोगों को रोड क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, और यहां पे कितनी अच्छी सारी इंडिया गेट के आप लोगों को अच्छी अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाएंगी, जो कि इंडिया गेट में अच्छे अच्छे आप लोगों को व्यू और या हमारे इंडिया गेट में जो जो चीज़ें हैं सारी देखने को मिलती है। हमारा इंडिया गेट कितना बड़ा है, कैसे क्या है, सारी जानकारी आप लोग यहां से पा सकते हैं। मन तो कर रहा है दोस्तों घर ही ना जाऊं। बहुत गर्मी है दोस्तों, हालत खराब है। अब दोस्तों हम संसद भवन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को संसद भवन। इतनी समय हमारा थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो चुका है, इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को संसद भवन, जो कि हमारे दिल्ली की शान जान मान धान सब कुछ है। और देखिए हमारा संसद भवन, देखिए रात को संसद भवन कितना प्यारा लगता है, जितना दिन में नहीं लगता है। वैसे दिन में भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने फ़ोटो शूट किया है एक बार बहुत पहले। आज फिर से आया हूँ संसद भवन आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मेरे साथ घूमो संसद भवन के कुछ देखो बेस्ट से सीन। और यहाँ पे चारों तरफ आप लोगों को पुलिस तो देखने को मिलेगी ही, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लाइटिंग का सिस्टम है, और आज तक की सारी गाड़ियाँ, और देखिए यहाँ से इंडिया गेट हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। और देखिए कुछ मेरे साथ संसद भवन के सिनेमैटिक शॉट्स। और दोस्तों आप लोग इससे आगे नहीं जा सकते हो संसद भवन के पास, जो कि इन्होंने नया रूल दिखाया है। पहले 20 से गाड़ियां जाती थी, अगर आप लोगों को याद हो। और देखिए यहां पे कितनी शानदार लाइटिंग कर रखी है, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और संसद भवन बगल में ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आप लोग देखिए कितने कैमरामैन आ रखे हैं, जो कि एक शॉट लेने
वैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को दिल्ली के सारे टॉप 10 प्लेस दिखा चुका हूँ, इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज़ यार जल्दी से सपोर्ट करें हमारे चैनल पे, 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों आप लोगों ने संसद भवन देख लिया है, अब यहाँ से हम निकलते हैं अपने घर की ओर। और यहाँ पे आज तक की सारी टीवी चैनल और नेताओं की सारी यहाँ पे मीटिंग होती है। ये वीडियो आई होप आप लोगों को देख के आया हो मज़ा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इंडिया गेट की वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों वीडियो लगी अच्छी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। अगर आप लोग म्यूज़िक या ब्लॉगिंग की वीडियो देखते हैं तो मुझे दूसरे चैनलों पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा अच्छे अच्छे अपडेट्स लाता रहता हूँ। अगर आप लोग दिल्ली का कोई सा भी प्लेस देखना चाहते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं वहाँ की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अगर आप लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे जब भी कमेंट कर देना। अगर आप लोग इससे अच्छे अच्छे और भी प्लेस या बाहर के प्लेस देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो लाऊं जल्दी जल्दी लेके आ पाऊं और अच्छे अच्छे प्लेस एक्सप्लोर कर पाऊं। इसलिए मिलते हैं आपसे एक नई लेटेस्ट वीडियो में, एक नए प्लेस के साथ और एक नए व्यू के साथ। जय हिंद।